सो हे गाइस, व्हाट इज अप एवरीबॉडी। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल NS रिएक्शन में। सो आज जिस वीडियो पे हम लोग रिएक्ट करने वाले वो है अब्दुल डी अब्दुल का होगी जीत करके रैप सॉन्ग ही उनका, तो उस पे रिएक्ट करते हैं। जो कि मैंने कमेंट में पढ़ा कि कोरोना पे जो अभी सिचुएशन चल रही है, तो उसके लिए उन्होंने वो रैप बनाया है। तो चलो पहले सुनते हैं, क्योंकि सीन क्या है कि मुझे रैप सॉन्ग मुझे रैप सॉन्ग सुनना है ना, बहुत पसंद है, और रैप बोले तो मैं वेट नहीं कर सकता। तो पहले अपन लोग रैप सुनते हैं, उसके बाद अपना रिएक्शन देते। तो लेट्स गो। यो बूम द थिंग गोस स्किरिकी। नाके से अलग इलाके से सुन, कितनों की जान गई वेजाक में जो गैस लीक, कितनों के पास नहीं खाने किसे मांगे भीख, भूखे का पेट भर दू भूखे की ना खाली खींच, सबकी मदद करो मैं हाथ जोड़ू बोलू प्लीज, लगे है लाइन में मजदूर लेने बस की सीट, कितने वो झूठे लूटे बोले बढ़ गई बस की फीस, खड़े है लाइन में ये दारू आखिर कैसी चीज, दारू को छोड़ो सोशल डिस्टेंसिंग तो करना सीख, सुबह से शाम होती वही जिंदगी रिपीट, चल लड़ते साथ में जो वक्त था वो गया बीत, खुलेगी मंदिर मस्जिद वो दिन होगा ये सब ठीक, मैं दुआ करता रब से इंशा अल्लाह होगी जीत, फिर से वो सड़कों पे खुलेगी दुकान, फिर से जब निकलेंगे घर से करने काम, फिर से लगेगी जब तब मंडी और बाजार, वो ईद और दिवाली में जो प्यार, फिर से वो बच्चे जो कि खेले गिरते पत्ते, रिश्तेदार परिवार जो कि बाहर निकले घर से, ये विचार मेरे मन में ऐसे मंजर मुझको दिखे, सब्र करना थोड़े सके बाकी पूरे होंगे सपने, अपने अपनों के साथ करना मिलके सबसे बात, तेरे पप्पन वाले दादा हो या बचपन वाले यार, गाड़ी लोकल में सब बार होके जाना बार बार, माही मारूंगा या दादा या फिर बार, ये ख्याल मुझको आता लड़ते आपस में क्यों, ये साल ये सिखाता रहना प्यार से ही तू, और जो प्यार से ही रहता तो फिर साथ में ये कहता, मेरा भारत जो लड़ेगा तो बीमारी होगी छू, आज छू मुझे छिकाई देना रुमाल, तेरे पास में जो डॉक्टर करना सवाल, उनसे लेना थोड़ा ज्ञान, उनका करना तू सम्मान, सेहत तेरी रहे बेहतर उसका रखना खाली ध्यान, 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 घर पे वो जा रहे चाले पैरों में पड़ जाते, भागे लेके सब कुछ रस्तों पे तो डंडों से भगाते, वो बिचारे खाते एक वक्त का उनको घर पे जाना है, तुम घर पे खाते आर बार का फिर भी बाहर आना है, लड़ते सोशल मीडिया पे देते सबको ताना है, पर उनका क्या जो भूखे बैठे तरसे और न खाना है, दिखाना है बस मकसद मेरा सबको ये बताना है, देश को अपने हद से बेहतर मिलके ही बनाना है, वीडियो देख के तो अभी हो चुका है, और वीडियो बहुत आला थी, मुझे बहुत पसंद आई, और मुझे इसलिए रैपिंग ज्यादा पसंद है क्योंकि रैपर्स लोग जो होते हैं ना, वो अभी की जो सिचुएशन चल रही है या कोई भी सिचुएशन हो, वो उनके लैंग्वेज में ऐसे बताते हैं ना कि वो जल्दी से कैच हो जाता है लोगों को, और मतलब सुनने में भी अच्छा लगता है और जल्दी से समझ में आता है, और लोग उस पर थिंकिंग भी करना चालू कर देते हैं। और जो वीडियो में भाई ने स्टार्टिंग में फ्लो स्टार्ट किया ना, एंड तक वो उसको मेंटेन रखा, और वो एक एक वर्ड जो बोला है ना उन्होंने, वो सीधा यहाँ मतलब कनेक्ट कर रहा था कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं उनके गाने के जरिए। तो उन्होंने जो वर्ड्स बोले ना भाई, बहुत सच बोले। जैसे कि आप फर्स्ट लाइन ही ले लो, कि उन्होंने बोला है फर्स्ट लाइन में कि कितनों की जान गई वाइजैक में हुआ गैस लीक, गरीबों को पास खाने के लिए खाना नहीं, वो किससे मांगे भीख, गरीबों की मतलब नहीं क्या, जो भूखे उनकी उनको उनकी पेट भरो ना कि उनकी थाली छीनो, और यही बोलने के लिए वो सबको मदद करने के लिए हमको प्लीज बोल रहे, तो हमें सबकी ये टाइम में मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये मुश्किल का वक्त है हमारे देश पे, अभी संकट आए तो हमें इसका मिलजुल कर सामना करना पड़ेगा। और आगे की लाइन में उन्होंने ये भी बोला है कि बहुत सारे मजदूर लाइन में लगे बस की सीट पाने के लिए, जो कि मतलब उनको उनके गांव में जाने के लिए वो बहुत गर्दी हुई थी बीच में, वो अभी सब सॉल्व हुआ है, बट उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पाला गया था। और उसके बाद उन्होंने जो वाइन शॉप्स खोले गए थे उसका भी जिक्र किया है कि वाइन शॉप खोले गए थे उधर बहुत सारी गर्दी हुई थी, और मतलब उन्होंने बोला कि दारू की बात छोड़ो, बट उधर सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं पाला गया था, क्योंकि इसके लिए उधर है ना पुलिस फोर मतलब पुलिस को भी लगाया गया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि
पुलिस के निगरानी में दारू बेची जा रही थी, मतलब दारू बेचने के लिए भी पुलिस का इंतजाम करना पड़ा था तब। तो ये बहुत गलत बात है। और उन्होंने अगली लाइन में ये भी बोला है कि मस्जिद और मंदिर दोनों खुलेगा, सब हो जाएगा ठीक, और हमारी जीत जरूर होगी इस चीज पे। तो हमें बस अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी है, बस यही उन्होंने ये वीडियो में बोला है। और उन्होंने आगे ये भी बोला है कि एक दिन वो जरूर आएगा कि जब दुकानें खुलेगी, मंडी बाजार खुलेंगे, सब खुलेगा, सब ठीक हो जाएगा। तब तक आप अपने घर वालों से बोलो, जो अपने बचपन के दोस्त है उनसे बातें करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, अपने जो नाना नानी है उनके साथ टाइम स्पेंड करो। क्योंकि ये साल हमें है ना, मतलब निगेटिवली नहीं लेना चाहिए, बट ये साल ने हमको है ना एक चीज बहुत अच्छी सिखाई है कि सबसे टाइम सबको टाइम देकर अगर हम लोग रहे तो कितना अच्छा दिन जाता है हमारा, वो ये साल ने हमको सिखाया है। उन्होंने ये गाने में उनका जिक्र किया है उसका, और बस वो यही बोलना चाहते हैं कि बस वो ये गाने में यही बोला है कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा, तब तक खाली हमको सब्र करना है। और सब्र करने के साथ साथ है ना थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी है, क्योंकि अभी थोड़े ही दिन पहले जो पूरे वर्ल्ड का काउंट है, पेशेंट का काउंट, वो करोड़ के ऊपर गया है, 1 करोड़ के आगे। तो बस ये मतलब बहुत सीरियस बात है, तो बस हमें थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी है। एक दिन हम लोग इस पे जरूर जीत पाएंगे, मतलब भगवान से यही दुआ करनी है कि हमको जितना जल्दी हो सके इस संकट से दूर लेके जाओ और सब कुछ ठीक करो एक दिन। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल NS रिएक्शन।